कुक विद मंजू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ खाजा रेसिपी, जिसके लिए हमने 1 कप चीनी लिया हुआ है। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे और उसमें आधा कप पानी डालूंगी, और आधा कप पानी डाल के हमें इसको चीनी घुल जाने तक मिला लेते हैं। और जब हमारी चीनी घुल जाएगी तब हम इसको 5 से 10 मिनट तक, मतलब 8 मिनट तक पकाएंगे धीमी आंच पे, और मेरी चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। हमें एक तार की चाशनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी करनी है तो आप 12 मिनट पकाएंगे तो सूख हो जाए। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल लेते हैं और थोड़ा सा नींबू का रस, 4 बूंद नींबू का रस डाल दिया हमने, और इसको बस हमारी चाशनी हो गई है। तो अब गैस को ऑफ कर देती हूँ। अगर चीनी ज़्यादा गाढ़ी होती है तो खाजे में चिपकती है तो अच्छी नहीं लगती। और हमने 1 कप मैदा लिया है और इसमें हम 1/4 रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं। देखते हैं कितना लगता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे अच्छे से मोन कर लेना है। देखिए हमारा लड्डू बनने लगा है। तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। इतना ऑयल बच गया है, 30 ग्राम ऑयल लगा है इसमें। तो अब इसको हम अच्छे से गूथ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से गूथ लूँगी, और सॉफ्ट डो इसका नहीं बनाना है, थोड़ा टाइट डो बनाना है। तो हमने इसे गूथ लिया है और इसे फिर गूथने के बाद थोड़ी देर ढक के छोड़ दूंगी। खाजा बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत अच्छा लगता है, और इसकी परतें जो होती हैं तो इसलिए बहुत ही स्वादिष्ट होता है। परतदार खाजा मेरा बहुत ही अच्छा बना हुआ था, तो आप भी ज़रूर बनाइए। तो हमने आटे को गूथ दिया और इसे बस रख देती हूँ, ढक के रख दूंगी 10 मिनट तक। और 10 मिनट हो गए हैं तो इसको हम पहले अच्छे से पंच मार के गूथेंगे, और अच्छे से गूथने के बाद फिर इससे हम रोल बनाएंगे। क्योंकि बहुत ही टाइट डो है तो थोड़ा सा मेहनत पड़ती है, तो कोई बात नहीं, 2-4 बार हमें अच्छे से मसल मसल के इसे गूथ लेना है, क्योंकि इसमें दरारें ना रहें। और हम इसको जितनी हमारी लोइयां बनेंगी, तो हमने करीब 6 पूरियां इसकी बनाना है। तो इसको एकदम सर्कल गो बेल लेंगे पूरी के आकार का, छोटा बड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं। तो हमने इसको अब एक पूरी बना लूँगी सबसे पहले। और देखिए मैंने बेल लिया है, बिल्कुल पतला बनाना है, क्योंकि जितना पतला हम बेलेंगे उतनी पतली हमारी खाजे की परत बनकर तैयार होंगी। तो मोटा नहीं बेलना है, मोटा बेलेंगे तो मोटी परतें आएंगी। देखिए इतना पतला बनाना है तो हमने इसको अच्छे से बेल लिया है। इसी तरह हम सारी पूरियों को बेल कर तैयार कर लेते हैं। और सारी पूरियां बेलने के बाद हम फिर इनका रोल बनाएंगे। तो लीजिए हमने सारी पूरियां बेल कर रख ली हैं, और हम फिर अब एक एक पूरी को अच्छे से बना लेते हैं, रोल के लिए तैयार करते हैं। तो हमने ये डालडा लिया हुआ है, घी, डालडा, रिफाइंड कुछ भी हम लगा सकते हैं, लेकिन डालडा से बहुत ही अच्छा चिकनापन होता है तो अच्छी परत बनती है। तो इसलिए इसमें हल्का सा डालडा लगा के और उसके ऊपर मैदा डस्ट करके फिर हमें दूसरी पूरी इसके ऊपर रख लेनी है। और आप इसमें रिफाइंड ऑयल में आटे का घोल बना के उसको भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो मैंने नहीं लगाया क्योंकि उसमें ऑयल बेकार हो जाता है। तो थोड़ा सा पहले डालडा या ऑयल, कुछ भी रिफाइंड तेल लगाते हैं, और फिर उसके ऊपर मैदा डस्ट करते हैं। तो ऐसे में हमारा जो भी बचता है तेल वगैरह, मैदा ख़राब नहीं होता। तो इसी तरह हम सारी पूरियों को अच्छे से लगा लेंगे, चिपका देंगे एक के ऊपर एक। तो सारी पूरियाँ हमने चिपका ली हैं, और अब हम इसको किनारे को पकड़ते हुए अच्छे से चिपका के और फिर इसका अच्छे से पूरा रोल बनाना है। क्योंकि हमें इसको पीस पीस में काट के खाजे बनाने हैं, तो हम इसको धीरे धीरे करते हुए पूरा रोल तैयार कर लेंगे और किनारे को अच्छे से इसमें चिपका लेंगे, नहीं तो हमारे खाजे की परत जो है वो निकलने लगती हैं। तो अब हम इसको दबा लेते हैं, और दबाने के बाद इसको थोड़ा सा गोल गोल घुमा देंगे 2-3 बार। और फिर घुमाने के बाद इसे देखिए अब इसका अच्छे से घुमा के फिर हम दोनों किनारों को कट कर देंगे। और किनारों को कट करके फिर, जो कि थोड़ा ऐसे होते हैं अच्छे से गोल नहीं आएंगे,
तो हम किनारों को काटने के बाद फिर इसे सारे पीस में काट लेते हैं। तो हमने इसे पीस में काटे हैं, देखिए छोटे छोटे पीस है, जितना आपको चाहिए छोटा बड़ा बना सकते हैं। ये सारी परत दिख रही है हमारी, तो हम इसे हल्के से उंगली से प्रेस करेंगे और फिर इसे हम हल्के हाथों से बेल देंगे और दूसरे को भी इसी तरह हम बेल लेते हैं। तो हम सारे खाजे को ऐसे ही बेल के एक प्लेट में रख लेंगे और हमने सारे खाजों को अब धीरे धीरे हल्के हाथों से बेल के रख लिया है। कितनी सुंदर इसकी परत दिख रही है, और इसको तेज से नहीं दबाना है क्योंकि दब जाएगा तो उनकी परत भी दब जाएंगी। तो हल्के हाथों से ही बेलते हुए बस देखिए कितने सुंदर बन रहे हैं खाजा हमारे। तो हमने सारे को बेल के रख लिया है और उधर कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, तो इसको चेक करते हैं कि गर्म हुआ कि नहीं। तो बस गर्म हो गया है क्योंकि हमें धीमी आंच ही में डालना है, इसे तेज आंच में बिल्कुल नहीं डालना है। धीमी आंच में जब हम डालेंगे तो इसको ये चाशनी हमारी, उधर मैंने डाल दिया, चाशनी हमारी जमेगी नहीं, इतनी अच्छी बनी है। और जमने वाली चाशनी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उसमें चीनी भर जाती है दरारों में, तो सूखी सूखी चीनी आती है मुँह में तो अच्छी नहीं लगती। ये हमें ऐसे हिलाते रहना है कलछी को क्योंकि बीच में उसके ऑयल अच्छे से घुस जाए, तो अच्छे से परत हमारी निकल जाए। तो हमने इसको डाल के धीमी आंच में, बिल्कुल धीमी आंच में हमें पकाना है। तो ये हमारे बन चुके हैं, देखिए अब मैं निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद अब इसको चाशनी में डिप कर देती हूँ। देखिए कितनी सुंदर चाशनी है, तो हम इसको डिप करके बस तुरंत निकाल लेंगे। यह तो हमारी चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए, तो खाजा ही गर्म होना चाहिए, तो गर्म गर्म खाजे को हमने डाल दिया और बस इसे थोड़ी तुरंत डिप करके निकाल लेंगे क्योंकि अगर चीनी ठंडी हो जाती है तो थोड़ा कड़ी कड़ी अच्छी नहीं लगती। तो देखिए कितना सुंदर, ज़्यादा चीनी नहीं लगी है, हल्का हल्का लगी है, तो बहुत ही सुंदर हमारे खाजे परतदार तैयार हुए हैं। देखिए हमने सारे खाजे को बना लिया है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बगल में घंटी होती है बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो अब कुक विद मंजू में अब आप मेरा वीडियो देखिए ज़रूर, और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और अब कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खाते रहिए, मस्त रहिए और आप लोग खुश रहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।